दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन से बस टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन से बस टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो गाइज आज के इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करके दोस्तों यहाँ से आपको क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको फ्लाइट्स, होटल्स, पैकेजेस, बसेस, बहुत सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम बस टिकट निकालने वाला है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम बस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रॉम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको सर्च डिपार्चर सिटी, दोस्तों यहाँ पर आप कहाँ से जर्नी करने वाले हो उस सिटी का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो गाइज यहाँ पर मैं अहमदाबाद टाइप कर देता हूँ। और नीचे के साइड में यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन सिटी सिलेक्ट कर देनी है, आप कहाँ तक जर्नी करने वाले उस सिटी का नाम यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर मैं जयपुर सिलेक्ट कर देता हूँ। और दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पर आपको डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप कौन सी डेट को जर्नी करने वाले हो उस डेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो गाइज यहाँ पर मैंने 18 तारीख सिलेक्ट कर दी है। इसके बाद दोस्तों नीचे की साइड में सर्च बसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सर्च बसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों आपने जो भी डेट वगैरह सिलेक्ट किया उस डेट को जितनी भी बसेस रहेगी उस रूट पर जितनी भी बसेस रहेगी वो सभी यहाँ पर आपको शो करेगी। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमें बहुत सारी जो बस है वो देखने को मिल रही हैं। तो गाइज यहाँ पर आपके टाइमिंग के हिसाब से कोई भी बस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर मैं ये वाली फर्स्ट गुजरात ट्रेवल्स सिलेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइज इस साइड में यहाँ पर हमें लोअर डेस्क देखने को मिल जाता है, इस साइड में यहाँ पर हमें अपर डेस्क देखने को मिल जाता है। आपके हिसाब से आपको कहाँ सीट बुकिंग करनी है आपके हिसाब से यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर मैं लोअर डेस्क में सीट बुकिंग करने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं ये वाली सीट सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पिकअप पॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको आपका जो पिकअप पॉइंट है वो सिलेक्ट कर देना है। तो गाइज यहाँ पर मैं ये वाला पिकअप पॉइंट अपना सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट ड्रॉपिंग पॉइंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ड्रॉपिंग पॉइंट सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में ऐड ट्रेवलर्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। तो गाइज यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल डाल दी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपकी जो बस की डिटेल्स है वो सभी यहाँ पर आपको शो कर रही है। देन यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे जो पेमेंट ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर हमें फ़ोनपे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो पेमेंट ऑप्शन है वो फ़ोनपे एप्लीकेशन के अंदर शो होगा। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ से आपका जो पेमेंट है वो पे कर देना है। जैसे दोस्तों आप पेमेंट को पे कर दोगे दोस्तों आपका जो बस टिकट है वो यहाँ से बुकिंग हो जाएगा। तो गाइज आपने जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड किया उस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आपका जो टिकट है वो सेंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको कहाँ पर ये टिकट शो होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको एप्लीकेशन की होम पेज पर आ जाना है और दोस्तों नीचे के साइड में यहाँ पर आपको माई ट्रिप वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी बुकिंग की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको शो करेगी, आपने जो भी टिकट निकाल लिया वो यहाँ पर आपको शो करेगी। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन के अंदर बस टिकट बुकिंग कर सकते हो।